20,000 रुपए का शॉर्ट्स। तुम्हारी पोटियों को जो है एलवी में लेके नहीं आना यार। अकाउंट की अम्मा बहन आ दी, तुम्हारी अम्मा बहन आ दी। What's up पब्लिक, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो बहुत टाइम बाद एक ब्लॉग आ रहा है यार। मैं प्रॉमिस किया था हर हफ्ते एक ब्लॉग डालूंगा, लास्ट हफ्ते थोड़ा नहीं हो पाया था, वो शूटा वोटा दबा के चल रहे थे यार। इस हफ्ते दबा के ब्लॉग आने वाले, ये हफ्ते का पहला ब्लॉग, और एक ब्लॉग आएंगे और एक ब्लॉग आएंगे, ब्लॉगों पे ब्लॉग आएंगे। सॉरी जरा ब्लॉग से लेके अपन इनएक्टिव थे, पर अभी दबा के एक्टिव हो गया यार। आज का ब्लॉग जबरदस्त भयंकर शिंदिया मोमबत्तियां होने वाला है। कई को बोलते यार आज अपन जा रहे हैं पहली बार, थक भाई के पोर्शे में जा रहे यार अपन पहली बार, और अपन जा रहे शॉपिंग के लिए यार। शॉपिंग कौन करेगा, थक भाई करेंगे, मैं क्या करूंगा, पीछे से ब्लॉग करूंगा। थक भाई की शॉपिंग बोलता मेरे बैंक बैलेंस का GGWP, तो मेरे को मेरे बैंक बैलेंस की अम्मा बहन ने कराना है। तो मैं सुकून से पोर्शे में बैठ के घूमने जाऊंगा यार। मुंबई की साइड जा रहे थक भाई, शॉपिंग करेंगे अपन, इंजॉय करेंगे यार। थक भाई को मैं थोड़े दिन पहले बोला था कि यार तुम्हारा पोर्शे तुम लेके आना, राइड वाइड हमारे को भी कराओ यार। थक भाई बोले आज चल, तो आज जाने वाले यार, मजा आने वाला है। देखेंगे थक भाई की शॉपिंग कैसी रहती, कुछ अपने को पसंद आया तो ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, बट ने पॉकेट के लिमिट तक समझ रही, तो उसको क्रॉस नहीं करना है। तो ये अपनी शुरुआत यार व्लॉग की, फटाफट अभी लाइक ठोक दो, अभी सब्सक्राइब मार दो चैनल को, जबरदस्त व्लॉग होने वाला है। पोर्शे में रिएक्शन है देखना है मेरे को पब्लिक के, थक भाई कैसा चलाते हुए देखना है। चलो स्टार्ट करेंगे आज का व्लॉग। लियो यहाँ पे यार अपनी धन्नो रेडी हो रही है यार, उमंग भाई रेडी कर रहे हैं बाहर निकालने वाले। देखो लाइटा चलो, अरे क्या गाड़ी है यार माशाल्लाह। थक भाई भी रेडी है, अम्मा का साथ अम्मा का साथ अम्मा का साथ। अरे क्या तो भी है, क्या तो भी है, गरम करना पड़ता ना ऐसी आइटम को, बाहर निकालने के पहले गरम करना पड़ता क्या मनोज भाई? उसको निकालने के पहले गरम करना पड़ता यार। ओ भाई जन्नत है जन्नत। यहाँ पे यार उमंग भाई अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए यार, ये तो बहुत जरूरी है रे भाई, 2.5 करोड़ की गाड़ी है, जरा सा भी स्क्रैच आना दिल पे अटैक आ जाता, आगे लेना पड़ता। देखो कैसा पैसेज है भाई, वो पैसेज में से गाड़ी निकालना, ही इज अ वेरी प्रोफेशनल फास्ट एंड फ्यूरियस ड्राइवर मैन। बैगन में मिलाया था चीचा, देखो स्किल्स देखो यार, क्या बात है, अम्मा बहन कर दिए गाड़ी वहां से यहाँ लेके आए, सो आइटम है यार, इन्हें आइटम है कसम से ना, बोलते ना गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी, इसको ही पटा ले तुम भैया, नहीं गाड़ी को ही पटा ले तुम। कार का बहुत शौक है यार मेरे को, धूप में देखो भाई क्या दिख रही, प्यार हो जाता जी से, गले मिलने जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। हेलो सर, नाइस कार, व्हाट डू यू फॉर लिविंग? चलो 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 लियो। निकल गए पब्लिक अपनी सवारी यारो, थक भाई की पोर्शे में फर्स्ट टाइम बैठे हुआ यारो, फीलिंग अलग ही रहती यारो भाई। कोई भी कार में बैठ जाओ उसके बाद तुम स्पोर्ट्स कार में बैठते ना, ऐसा लगता भाई है कुछ है, बढ़ती डे पैसा वसूल। चिच्छा चला रहे सुकून से, आज क्या करने जा रहे अपन? आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने जी। सीट बेल्ट इज वेरी नेसेसरी, सीट बेल्ट लगा रहे चिच्छा, लगा दो उनको। चिच्छा तुम कहाँ कहाँ क्या क्या शॉपिंग करने? देखो हम जा रहे हैं अपने दोस्त के शादी के शॉपिंग के लिए। ओहो हो हो, तो हमें लेना इंडियन अटायर ले रहे हैं अपन, इंडियन अटायर ले रहे हैं। क्या बात, सूट लेना हमें, ओके, और एक दो कुर्ती वर्ती ले लेंगे, हो गया अपना सौ। क्या बात है, ओ भाई ओ भाई, मां कसम इंसेन भाई इंसेन। तो पीछे फेंकता है यार भाई, क्रेजी है भाई, मां कसम भाई, ओ तानु शीश भाई, पागल एक्सपीरियंस है भाई, मां कसम वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है, मजा आता है चला मतलब इट्स क्रेजी भाई क्रेजी। ये रहता देखो यार, स्पीड ब्रेकर हो पे ऐसा जिगजैग ले लेके जाना पड़ता भी नहीं है, ये तो बुलडोजर था वो, किसके लेवल है हमको समझ नहीं आ रहा। हाँ यार यार भाई, ये स्पोर्ट्स कार में थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, नीचे से टच हुआ ना फिर दिल टूट जाता, दिल टूटता ही होता वैसे, बहुत ब्रेकअप से भी बहुत डेंजर दर्द होता हो अगर तुम्हारा गलती से भी टच हुआ तो। इनसेन एक्सपीरियंस भाई इनसेन एक्सपीरियंस, खुली रोड अब मिली तब से थोड़ी ट्रैफिक थी, ऐसा जो पुश मिलता है ना पीछे भाई झटका पड़ता है, वहां कसम तुम तो भाई मजे ले रहे फुल चलाने के, जब भी निकला निकालो फुल मजे। आधा रास्ता हो गया यारो सीधा शॉप, नहीं कहा दे आधा भी देवा पगले है तू, अच्छा भी नहीं हम लोग क्रॉस किए, हम लोग जाने बहुत दूर, हम लोग को वांगेडे स्टेडियम जाना, मेरे को ना पोर्शे तो आधा करके होंगे, अरे तो हेलीकॉप्टर थोड़ी है रास्ता तो ये है। नहीं बोल रहे बोल रहे, देखिए तक भाई क्या चीज शॉपिंग, गाड़ी का
क्या तुम लेवल देखो यार, ये बाजू एसयूवी है, हमला कितना जमीन से कितना चिपके हुए है। देखो स्पोर्ट्स कार का यही रहता है वो, देखो एसयूवी ऐसा दिख रहा फर्स्ट फ्लोर पे, और उसका तो ऐसे भी इनका टायर में क्या लगा के रखा है भगवान ने। तुम एसयूवी लेके घूमोगे तो तुमको ऊपर देखना पड़ेगा ना, एसयूवी है। तो गाइस पहुंच गया हम लोग, पहला स्टॉप हमारा कहाँ है, गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता के स्टोर पे आए से थक भाई खरीदेंगे इंडियन अटायर, दिखाएंगे उनको। मुंबई में यार ऐसी गाड़ी में अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो मालूम भी नहीं पड़ता तुम कब नवी मुंबई से मुंबई पहुंच गए, गाड़ी का फर्क तो पड़ता है। वही तुम कोई सेडान में जाते तुमको पीछे उल्टी हो जाती, वही तुम एसयूवी में जाते सुकून से जाते, स्पोर्ट्स कार में जाते तो भी सुकून से जाते। पहुंच गए गौरव गुप्ता फर्स्ट स्टॉप, चिच्चा इज फ्रेश, लेट्स गो। गौरव गुप्ता चिच्चा का स्टोर यार, क्या तो भी ड्रेसा है भाई, हमारे गौरव गुप्ता चिच्चा का स्टोर यार, भयंकर स्टोर है, भयंकर ड्रेसा है। ठग भाई ले रहे हैं यहाँ से एक चिल्ड्रा कलेक्शन। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए दो जबरदस्त प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ, मामा अर्थ का राइस फेस वॉश और मामा अर्थ का राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, ये दो प्रोडक्ट ना किराक। तो जब भी अपन ऐसा ग्लास स्किन के बारे में सोचते ना या सुनते ना यार, अपने दिमाग में एक ही चाहता कोरियन मॉडल्स यार, उन लोगों की स्किन कैसी रहती, लुमिनियस रहती, प्लम्प रहती और बहुत ज्यादा हेल्दी रहती। ऐसी स्किन देख के अपने को लगता है ना रेगुलर जो है सो फेशियल्स वगैरह कराते, बट ऐसा नहीं है यार, वो सब कराने की कुछ भी जरूरत नहीं, अपने पास एक जबरदस्त दो प्रोडक्ट है ऐसे, इसको यूज करो किराक हो जाती तुम्हारी स्किन, ग्लास वाला स्किन का इफेक्ट तुम्हारे को भी मिल जाता। राइस एज एन इंग्रेडिएंट हैज बीन यूज्ड फॉर जनरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया to keep skin healthy to achieve that glass skin. To achieve that skin, most of us resort to the cumbersome time consuming DIYs or choose products that aren't as effective. Wouldn't we all love a convenient and quicker solution to fulfill that aspiration? Mamaearth brings you its rice water face range that gives you a clear and brightest glass. Water face range that gives you a clear and bright glass like skin. Enriched with the goodness of rice and niacinamide, the rice water day cream reduces blemishes and dark spots, resulting in an even skin tone. Not only this, with SPF 30, the rice day cream also protects your skin from sun damage without being greasy on the skin. It's time to get crystal clear glass skin naturally with Mama's Rice Water Face Range. तो ये जो rice वाला moisturizer है face का, आप लोग इसको daily usage में भी use कर सकते हैं, कोई भी tension ना लो, ये certified है and इसमें कोई भी toxins या harmful ingredients कुछ भी involved नहीं है, daily use करो इसको। ये दोनों products को आपको buy करना है तो Amazon पे, Nykaa पे, Flipkart पे या Mamaearth के app और website पे आपको मिल जाएगा। Code use करना मत भूलना, snacks 2023। ले ओ। यारा scene ऐसा हुआ, गौरव गुप्ता में हमला गए थे, मैं थक भाई, तो वहाँ पे दो चीज पसंद आई थी, एक का साइज था, एक का साइज नहीं था। नहीं था जो दिल्ली में, तो आएगा 13 तारीख को, तो तब जाके दोनों पहनेंगे जो भी फाइनल है करेंगे। उसके बाद हम लोग आ गए थे लंच करने पंजाब ग्रिल यार, दबा के खाना वाना खा लिया, मीठा वीठा खा लिए, जामुन आमुन। अभी जा रहे कुर्ते लेने, इनका रिसेप्शन का ब्लेजर तो सेट हो गया समझो, अभी कुर्ता कुर्ता उर्ता लेंगे। तो हम लोग आए काला घोड़ा, काला घोड़ा, ये घोड़ा देखो वही है, यही है काला घोड़ा, काला घोड़ा नाम रखा। व्हाइट घोड़ा होगा। अरे पहली दुकान में तो थक भाई मान लिया थैला, क्या नाम था भैया दुकान का, शिवानी एंड नरेश, शिवानी नरेश, शिवन एंड नरेश, माफ करो। यहाँ पे 3-4 टी शर्ट उड़ा है चीचा, तो तुम जो ऐसी शॉपिंग करते सीधा कार्ड दे देते, दर्द नहीं होता? वो चला गया वो फेस, तो पेज चला गया। अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मतलब मैं इतना अमाउंट बताओ एक बार, क्या लिए तुम और कितने में लिए? अभी मैं 3 टी-शर्ट लिया और एक शॉर्ट्स लिया, कितना हुआ? 60,000। और चलो लेजर तो, लेकिन मैं मजाक करके बोलूं, सरप्राइजिंग चीज लगा क्या, 3 टी-शर्ट का इट वाज 38K और वो शॉर्ट का 21,000 रुपया था, मैं वो देख के शॉक हुआ। मुझे भी थोड़ा एक बार चोट आया, उसमें मुझे हल्का चोट आया समझ रहे हो, चोट 21,000 रुपए का शॉर्ट्स। हां मैं भी सोचा व्हाइट शॉर्ट क्या, इसके 21,000 रुपए का पड़ेगा तुमको, बट वो वर्थ इट है, तुम देखना जब ये पहन के फोटो वोटो डालेंगे ना तब देखना। yes. अभी कुर्ता बाकी है, अभी रुको, अभी आज पूरा एंड में बिल बताता हूँ कितना पाड़ा है एक दिन में। अभी हम लोग एंट्री मार रहे हैं थक भाई के ओजी ब्रांड पे, थक भाई के फेवरेट ब्रांड पे एलवी। आज स्टोर बनाए से वेगन देखो यार, क्या क्या नहीं है इधर, वहाँ का रात कैसा बना है इसमें। अब समझा तुम इतना कहीं खरीदते इधर आके, स्टोर देखे हमारा भी आके खुल गया है, बट तुम्हारा बैंक खुल जाता है इसमें, हमारा वो नहीं खुलता। यार स्टोर बनाया यार वहाँ का, देखो बैगा हो ये वॉच केस, देखो मैं बोला थक भाई माँ गिफ्ट कर रहे हैं वॉच केस, प्राइस पूछते कि अम्मा बहन होगी, सेक्सी बनाया सो यार है भाई है। एक दिन थक भाई को मैं जिम लेके गया तो ऐसे बैग लेके गए थे पिंक कलर वाला, जिम खरीदने पूरा।
वॉच केस तो है बट वो वॉच केस है बस एनबीए का भी आ रहा है। तुम्हारी पोटियों को जो है सो एलवी में लेके नहीं आना यार। अकाउंट की अम्मा बहन आती, तुम्हारी अम्मा बहन आती, अगर गलती से भी ले लेके आए उसको कुछ पसंद आएगा और तुम नहीं दिलाए तो ये पिंक कलर की तुम्हारी गाफ हो जाती अगर नहीं दिलाए तो। भयंकर सीन है एलवी का शोरूम तो, भयंकर है यार। उसके लिए थक भाई को इतना अच्छे से वेलकम कर देते हो, थक भाई कलेक्टर है फुल। और इधर यार वैगन बिल्कुल बैग्स और वॉलेट्स बहुत पसंद है। आप लोगों को वॉलेट्स बता दूँ कौन से पसंद है। एक वॉलेट ऐसा है उसकी कुछ यूनिक हिस्ट्री है, वो मैडम बता दे सुना तुम देखो। जो वॉलेट कलेक्शन की मैं बात कर रहा था, वॉलेट्स बहुत पसंद आए थे मेरे को एलवी के, बैग्स एंड वॉलेट्स। बट एक यूनिक वॉलेट है और श्रेया आप मेरे को बताने वाले क्या है, मतलब क्या यूनिक है। सो दिस इज अ स्पेशल कोलैबोरेशन विद दिस जापानीज पॉप आर्टिस्ट कॉल्ड रायोकी कोसावा। ओके। फ्रॉम द एज ऑफ 16 शी हैड अ डिसऑर्डर वेयर शी यूज्ड टू हैलुसिनेट एंड शी यूज्ड टू सी द वर्ल्ड इन पोल्का डॉट्स। ओके, सो दीस आर द डॉट्स। यस। ओके। सो फॉर हर द होल वर्ल्ड इज इन पोल्का डॉट्स, लाइक हाउ वी हैव अ नॉर्मल विजन। ओके। सो यू विल सी लाइक आवर इंस्पिरेशन। वी हैव डन अ प्रीवियस कोलैबोरेशन विद हर इन 2012। ओके। वी हैव रीडन अ कोलैबोरेशन विद हर, शी इज 97 इयर्स ओल्ड नाउ। ओके। सो प्रॉब्ली इट कुड बी वन ऑफ हर लास्ट कोलैबोरेशन। मतलब दिस वुड बी अ रेयर वन, मतलब ऐसा पूरे कलेक्शन में सबसे ज्यादा रेयर ये है। इस बार मैं ऐसा एक्सपीरियंस किया रहा हूं, दिस इज अ रेयर वन। एंड सो वी डिड अ कोलैबोरेशन बिफोर व्हिच वाज the pumpkin, so okay. You will see that it is the pumpkin and it says Louis Vuitton X Yayoi Kusama 2023. Got it. So this was unique, मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये, मतलब सबसे रेयर है ना तो क्रेजी वॉलेट कलेक्शन, क्या बोलते थे तुम? Always LV fan, thank you. कितने का बिल छापे चीचा? मैंने छापा अपने लिए तो वैसे एक चश्मा लिया। टोटल ओवरऑल बोल, अपने लिए नहीं पूरा बताओ। ओके, तो मैं टोटल 170 इधर 170 उधर, 1,00,000 का एडवांस दिया है बट वो 2 का पड़ेगा ब्लेजर, ठीक है 370 और 60,000 के टी शर्ट ये 430 मतलब तुम नॉर्मल शॉपिंग करने निकलते हो 4-4.5 दो महीने एक बार निकलो 4,00,000-5,00,000 उड़ाओ आ जाओ। ये क्या था तुम्हारे लिए? मेंटल डिटॉक्स। तो डन फॉर द डे गाइज, निकल रहे वापस गेमिंग हाउस के लिए, चिच्चा ही ड्राइव कर रहे हैं, पहुंचा देंगे सुकून से। 1.5 घंटे का रास्ता बता रहा है, रात के टाइम पे मुंबई की ट्रैफिक रहती है। हो गई शॉपिंग, भयंकर शॉपिंग करते भाई भाई। बट गाड़ी का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट लगा मेरे को आज के पूरे दिन का। रात में तो गाड़ी मॉडल दिखती पूरी मॉडल, उनको ऐसा कैमरा जस्टिस नहीं करता रात के टाइम पे, बता नहीं सकते। बट रात में गाड़ी अगर इन पर्सन तुम देखेंगे ना तो गाड़ी भाई लिटरली मॉडल दिखती। तो गाइस अभी बज रहे रात के 3:30, दिस इज द नेक्स्ट डे और रात भर जगा हूं मैं, कहीं को बोलता मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, आंखों से दिख रहा, मेरी आंखों में दबा के नींद है बट मेरी मॉर्निंग फ्लाइट है यार। कल है 14 तारीख, संक्रांति है 15 तारीख, तो ऑब्वियसली घर जा रहा हूं मैं, हैदराबाद में संक्रांति बनाने जा रहा हूं, काटने जा रहा हूं, हाथ से खींचने जा रहा हूं पूरे सबके पतंगों को। आप लोगों को मालूम संक्रांति कितना पसंद अपने को, भाई बहुत पसंद मेरे को, तो फैमिली वालों के साथ बनाने जा रहा हूं। प्लान ऐसा था पहले, बहुत पहले सोच के रखा था कि अहमदाबाद जाऊंगा बट वो कैंसिल हो गया प्लान, घर वालों के साथ बना रहा हूँ। आंखों में ऐसी नींद है, ऐसा लग रहा नशे में हूँ बट बहुत नींद है। अभी निकलने आ रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, हैदराबाद जा रहा हूँ, संक्रांति बनाने वाला हूँ। इंस्टा पे जरूर अपडेटेड रहना गाइस, वहां पे मैं शेयर करूंगा, लाइव सेशन एक करेंगे अपन संक्रांति का और मिनी ब्लॉग आएगा इंस्टा पे, फोटोज एंड ऑल बहुत कुछ आने वाला है, रील्स एंड ऑल, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना, संक्रांति का सब कुछ कंटेंट देखना है तो। एंड विश यू ऑल एडवांस में आप सबको हैप्पी संक्रांति, एंजॉय करा रहे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ उड़ाओ, देख के उड़ाओ। बहुत सारे जबरदस्त ब्लॉग के आइडियाज है मेरे पास, जैसे मुंबई रिटर्न आऊंगा 4-5 दिन में मुंबई वापस आ जाऊंगा मैं, तो तब अपन एग्जीक्यूट करेंगे वो सारे प्लान को और मजा आएंगे आप लोगों को ब्लॉग्स देखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। If you enjoyed this vlog, make sure to drop a like, subscribe our channel को 1.5 million के बहुत करीब है। लियो, bye bye.